नमस्कार, लीना जीजी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सीताफल के पल्प को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने का तरीका। सीताफल या शरीफा या कस्टर्ड एप्पल, ये विंटर का बहुत ही पसंद किया जाने वाला फल है। इससे कई तरह की मिठाइयाँ बनती है, लेकिन इसका सीजन बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। अभी तो भरपूर मात्रा में सीताफल आ रहे हैं और अचानक ही आना बंद हो जाते हैं, तो यदि इसे प्रिजर्व करके रख लेते हैं तो हम इसे बाद में भी यूज़ कर सकते हैं और स्टोर किया हुआ पल्प कई महीनों तक फ्रेश बना रहता है। तो आइए देखें हम इसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। सीताफल आप जब भी खरीदें तो बड़ी साइज के ही खरीदें, और एक बात का और ध्यान रखें, ये सीताफल के ऊपर जो फ्लेक्सेस हैं इन्हें सीताफल की आँखें कहते हैं, तो आप बड़ी आँखों वाले ही सीताफल खरीदें। इनमें बीज कम होंगे, पल्प ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का होगा। सबसे पहले तो सीताफल के बीज निकाल कर पल्प अलग कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक कटोरा और ये सूप छानने की छलनी और एक चम्मच ली है। आप कोई भी छलनी ले सकते हैं, इसी तरह की छलनी ले लीजिए या फिर आटा छानने की छलनी ले लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखें कि वो स्टील की हो, लोहे के तार वाली ना हो। लोहे के तार वाली छलनी से पल्प का कलर काला हो सकता है। बीज निकालने के लिए एक सीताफल लेकर बीज से उसके दो टुकड़े करेंगे और चम्मच की सहायता से पल्प को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से सीताफल से पल्प निकालना बहुत ही आसान है। जब आपको फ्रेश सीताफल खाना हो तब भी आप ये तरीका अपना सकते हैं। ये आपकी कटोरी है और ये चम्मच, चम्मच से इसमें से पल्प लेकर खाना है ना, बिल्कुल आसान तरीका। सीताफल की क्वालिटी अच्छी होने से इसमें पल्प भी काफ़ी अच्छा है। बीज के ऊपर देखिए कितना सारा पल्प है। सीताफल अच्छी तरह से पका हुआ है तो इसका पल्प बहुत इजीली निकल रहा है। ये देखिए मैंने सारा पल्प निकाल लिया है। अब इसी तरह से और पल्प भी हम निकाल लेंगे। अब इसको चम्मच से रगड़कर इसके बीज अलग करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कुछ पल्प बिना बीज का है, तो इसको चम्मच से रगड़ने के पहले ही अलग कर लेंगे और ये लच्छे के रूप में रहेगा। तो जब हम इस लच्छेदार पल्प से कोई भी रेसिपी बनाते हैं, जैसे रबड़ी, कुल्फ़ी, आइसक्रीम, तो जब खाते वक्त ये लच्छे मुंह में आते हैं ना, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। पल्प को प्रेस करते हुए छलनी में से निकालेंगे। आप देख सकते हैं अब बीज दिखाई देने लगे हैं और कुछ बीज तो अलग होना भी शुरू हो गए हैं। तो जो बीज अलग हो गए उन्हें हम निकालते जाएंगे। सारे बीज अलग हो गए हैं तो बीजों को हटाकर पल्प को नीचे बोल में डाल देंगे। दो सीताफल का पल्प मैंने निकाला है, काफी सारा निकला है। पल्प को चेक कर लें, अगर इसमें कोई कचरा हो या बीज रह गया हो या सीताफल का छिलका अंदर चला गया हो तो उसको निकाल कर अलग कर दें। तो हमारे पास ये पल्प तैयार है स्टोर करने के लिए। पल्प को स्टोर करने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि ये पल्प जैसा है वैसा ही आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल दीजिए और ढक्कन लगाकर फ्रीजर में रख दीजिए, या फिर फूड ग्रेड जिपलॉक बैग हो उसमें भी आप इसे रख सकते हैं। एक बार आपने इसको फ्रीजर में रख दिया तो ये कई महीनों तक फ्रेश बना रहेगा। और दूसरा तरीका है, ये मेरे पास करीब एक कटोरी पल्प है, तो अब हमें क्या करना है, ये एक चम्मच शुगर इसमें डालकर इसको मिक्स कर देना है। वैसे तो हम 2-3 चम्मच शुगर भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इससे बाद में हमें कुछ मिठाई ही बनानी है, लेकिन कभी सीताफल का पल्प खाने का ही मन कर गया तो इतना मीठा पल्प खाया नहीं जाएगा। शुगर मिक्स करने के बाद जिस कंटेनर में हमें प्रिजर्व करना है उसी कंटेनर में डालकर इसको थोड़ी देर रखेंगे, और जब शुगर मेल्ट हो जाएगी तो इसको फ्रीजर में रख देंगे। इसके अलावा इसमें आप 2-3 ड्रॉप्स नींबू की भी डाल सकते हैं, उससे पल्प का कलर मेंटेन रहेगा। लेकिन कई बार लगता है कि इससे जो भी मिठाई बनेगी वो दूध से ही बनेगी, तो हो सकता है कि दूध फट जाए। वैसे 1-2 ड्रॉप्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूध नहीं फटता है। और जब भी हम इसकी रेसिपी बनाते हैं, जैसे रबड़ी बनाई तो रबड़ी ठंडी होने के बाद ही हम पल्प मिलाते हैं, कुल्फी या आइसक्रीम का जो बैटर है उसको ठंडा होने के बाद ही
हम पल्प मिलाते हैं तो इसे फटने के चांसेस नहीं है, तो आप चाहे तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। शुगर मेल्ट हो गई है तो अब इसको इस कांच के बोल में मैं डाल देती हूँ। एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप पल्प को प्रिजर्व करें तो छोटे छोटे पोर्शन में करें, ताकि एक बार में आपको जितना ज़रूरत हो उतना ही आप निकाल सकें। बड़े कंटेनर में रखने पर जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको पूरा कंटेनर बाहर निकालना पड़ेगा और उसको मेल्ट करना पड़ेगा, तब फिर आप उसमें से उतना पल्प ले सकते हैं जितना आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से करने से पल्प ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो जहाँ तक हो सके आप छोटे पोर्शन में ही इसे स्टोर करें। मैंने काफ़ी सारा पल्प अलग अलग टाइम पर प्रिजर्व किया हुआ है। ये पल्प मैंने उसी टाइम स्टोर कर दिया था जब सीताफल का सीजन शुरू ही हुआ था, तो ये अभी भी वैसा ही है, फ्रेश है। और ये कलर जो है सामने से ऐसा नहीं है, ये कैमरे में इस तरह का दिख रहा है, कलर फ्रेश पल्प जैसा ही है। ये सारा पल्प मैंने बीज के साथ ही स्टोर किया है, क्योंकि अगर इसे फ्रूट की तरह खाना है तो फिर इसको बीज के साथ ही खाने में मज़ा आता है। और यदि रेसिपी में यूज़ करना है तो हम इसके बीज उस टाइम निकाल सकते हैं जब हमें रेसिपी बनानी हो। और ये थोड़ा सा पल्प है जिसको मैंने बीज निकाल कर रखा हुआ है, इसमें भी मैंने कुछ नहीं डाला है, फिर भी ये फ्रेश जैसा ही है। तो ये था सीताफल के पल्प को स्टोर करने का तरीका। ऑफ सीजन में भी सीताफल का मज़ा लेना हो तो आप भी सीताफल के पल्प को जल्दी से स्टोर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।